नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी 3 अगस्त 2023 की है और शिक्षा संबंधित दो बड़ी अपडेट हैं, एक यूपी सुपरटेट की परीक्षा को लेकर के और साथ ही साथ दूसरी आपकी बिहार शिक्षक भर्ती जो है उसकी परीक्षा को लेकर के। तो दोनों की बात एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले तो यूपी सुपरटेट को लेकर के बात करते हैं। नए आयोग से आज पहले करना होगा महीनों इंतजार, प्रयागराज से न्यूज है जिसमें यह बताया गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को कैबिनेट से मंजूरी तो मिल गई है, परंतु बेरोजगारों में नौकरी मिलने की उम्मीद भी जगी है। ये अलग बात है कि नई भर्ती शुरू होने या पहले से विज्ञापित जो भर्ती की परीक्षा है उसको होने में अभी काफी लंबा समय जो है वो लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आयोग का ड्राफ्ट तैयार करने वाले जो जानकार हैं उनकी अगर माने तो नए आयोग को अस्तित्व में आने में कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। अगस्त अगर चल रहा है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने तो ऐसे चले जाएंगे। और साफ है कि आयोग की ओर से नई भर्ती लोकसभा चुनाव जो 2024 है उसके आसपास ही आपको संभव देखने को मिल रही है। ये भी यहाँ क्लियर किया गया, मतलब 2024 तक ही ये मामला कब यूपी में शिक्षक भर्ती का होने की संभावना बन सकती है, उससे पहले तो चांस बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल पहले आयोग का मसौदा विधानसभा से पास होने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर से उसकी अधिसूचना जारी होगी। उसके बाद एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों के चयन की प्रक्रिया में कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय जो है आपका लगेगा। उसके बाद प्रयागराज में नए आयोग का कार्यालय बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि आयोग का कार्यालय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज को ही बनाया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का कार्यालय किराए के भवन में संचालित है, इसलिए चयन बोर्ड की बिल्डिंग ही सबसे मुफीद स्थान है। और बाकी चयन बोर्ड की बिल्डिंग हैंडओवर करने के लिए भी शासनादेश जारी होगा, क्योंकि चयन बोर्ड माध्यमिक शिक्षा विभाग की संपत्ति है और नए आयोग का जो काम है वो उच्च शिक्षा विभाग देख रहा है। तो नए आयोग में सचिव, उप सचिव, परीक्षा नियंत्रक समेत अन्य अधिकारी कर्मचारियों को भी नियुक्ति करनी होगी और ऐसे में इस साल के अंत तक ही आपका नए आयोग की गतिविधियां शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि अच्छा खासा समय लगेगा, ये तो आपको इस न्यूज से क्लियर हो गया होगा, जिसमें 3 महीने का समय मान के चलिए हर हाल में होगा। दूसरी चीज यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 2019 में भी कैबिनेट से मिल चुकी है मंजूरी इसको, और हालांकि आयोग अब तक कामकाज शुरू नहीं कर सका है। वैसे नए आयोग की चर्चा तो 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद से स्टार्ट हो गई थी। उस समय उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों से इस्तीफा भी ले लिया गया था, लेकिन बाद में 2018 में दोनों आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति फिर से कर दी गई थी। अगली अपडेट की बात करते हैं तो नए आयोग से होगी एडेड संस्थाओं में भर्ती, ऐसा उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा है कि समय से नियुक्ति भी होगी, ऐसा इनके द्वारा बताया गया है। और इसमें इन्होंने ये बताया कि बाकी सभी भर्तियां इसमें शामिल होंगी, परंतु राजकीय माध्यमिक विद्यालय और डिग्री कॉलेजों में जो शिक्षक भर्ती वो पहले की तरह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ही होगी। बाकी इन्होंने ये भी बताया कि 7 अगस्त से जो उच्च शिक्षा मंत्री है उन्होंने कहा कि 7 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र में नए आयोग का अधिनियम पारित हो जाएगा और उसके बाद राज्यपाल से मंजूरी, मतलब वही सारी चीजें लिखी हैं। इसमें एक चीज उन्होंने और देखा है, आप पॉइंट नीचे देखेंगे तो परिषदीय स्कूलों में भी भर्ती शुरू की जाएगी, ये सब बयान भी देखने को मिल रहे हैं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं। बाकी ये भी बताया गया कि 5 अल्पसंख्यक कॉलेज में शिक्षक भर्ती और कुछ एडेड कॉलेज में गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती की अनुमति दी गई है। 12 निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी भी दी गई है और ये भी साइड में बताया गया है पुस्तकालय अध्यक्ष वगैरह की भी भर्ती देखने को मिलेगी। अगली अपडेट आपकी इसी यूपी सुपरटेट से रिलेटेड कि नौकरी के लिए बेरोजगारों का प्रदर्शन, संयुक्त युवा मोर्चा के बैनर तले बुधवार को पत्थर गिरजाघर धरना स्थल पर प्रतियोगी छात्र ने जो है वो समर्थन में नारेबाजी जो है वो की मांगों में, जहां पर आप देखेंगे तो 6 लाख रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के मांग जो है वो उठाई गई है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो शिक्षक भर्ती है उसकी अगर बात करें तो उसमें भी आपका पीजीटी पीजीटी के मिला करके 16,730 रिक्त पद हैं और परिषदीय विद्यालयों में अगर देखेंगे तो रिक्त 1.26 लाख पद हैं। इन सभी को भरने को लेकर के मांग जो है वो की गई। अगली अपडेट आपकी डीएलएड से भी रिलेटेड है, इसमें डीएलएड में प्रवेश को फिर से बड़ी आवेदन की तिथि, कोई ले रहा नहीं एडमिशन और लगातार आपकी तिथि पर तिथि बढ़ रही है। 2 बार आवेदन के बावजूद सीटें जो है वो खाली रह गई हैं और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये सीटों निजी कॉलेजों की टोटल इतनी सीटों पर प्रवेश होना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी
सीटें कितनी खाली रह गई, तो 1,33,603 सीटें कुल 2,33,350 सीटों में से खाली रह गई है। अब बिहार शिक्षक भर्ती के अपडेट की बात करते हैं, तो शिक्षक भर्ती की परीक्षा में बायोमेट्रिक हाजिरी बनेगी। पटना से न्यूज है जिसमें बिहार शिक्षक भर्ती में लेकर के लिखा है कि परीक्षा में किसी तरीके की गड़बड़ी ना हो पाए, कोई फर्जी परीक्षार्थी नहीं बैठ पाए, इसके लिए अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जो है वो उपस्थिति की जाएगी और साथ ही साथ छात्रों को सीधे जेल भेजा जाएगा अगर किसी प्रकार की ऐसी चीज देखने को मिलती है। जैमर वगैरह लगाया जाएगा। डीएम को अच्छे परीक्षा केंद्र का चयन करने का निर्देश भी दिया गया है ताकि किसी प्रकार की धांधली ना हो सके। अब यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो एक्स्ट्रा लिखा है कि परीक्षा आपकी दो पालियों में होगी, जैसा कि आप सभी को पहले से पता था, पर इसमें इन्होंने ये बताया कि पहले दिन 24 अगस्त को हिंदी और सामान्य अध्ययन की संयुक्त परीक्षा दो पालियों में होगी। यानी इन्होंने यहाँ पर ये न्यूज में क्लियर करने की बात किया है कि पहले दिन 24 अगस्त को जो कॉमन वाला पेपर है जिसमें हिंदी इंग्लिश आनी थी, वो पहला पेपर इनके अकॉर्डिंग पहली पाली में होगा, जिसमें हिंदी इंग्लिश वाला जो पेपर होगा वो होगा, जिसमें 30% आपको लाना है, और दूसरा पेपर सामान्य अध्ययन का लिखा हुआ है। यानी कि इनके अकॉर्डिंग पेपर वन और पेपर टू एक ही दिन आपको देखने को मिलेगा, 24 तारीख को हो जाएगा। बाकी ये भी लिखा है कुल 8,15,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे, इसके अलावा 25 से 27 तक अलग अलग परीक्षाएं होंगी, ये यहाँ पर बताया गया। हो सकता हो वैसे न्यूज़पेपर वालों का कोई भरोसा नहीं है कि यहाँ पर इनका जीएस से मतलब, हो सकता हो हिंदी इंग्लिश लिखना चाह रहे हो कि पेपर वन। अब वैसे तो इस न्यूज के अकॉर्डिंग तो यही है कि कॉमन पेपर और जो मेन पेपर है पेपर टू, वो दोनों 24 अगस्त को पहले दिन हो जाएगा, बाकी फिर 24 से 25 से 27 अलग तारीख तक अलग अलग परीक्षाएं होंगी। आयोग की ओर से परीक्षा का शेड्यूल भी जारी किया जाएगा, वो भी यहाँ पर बताया गया है। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।